प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ उपदेश दे रही हैं, सब रोगों की एकमात्र औषधि भगवान का नाम है, उनका नाम लो, उनके शरणागत हो, उसी से सब व्याधियां दूर हो जाएंगी। हमारे किए हुए कर्मों का समय आने पर फल भोग करना ही पड़ता है। रोज भगवान का नाम करना एवं सदग्रंथ पाठ करना, अच्छा ना लगने पर भी उसे नियम से करने की चेष्टा करना, द्वैत भाव लेकर रहने से ही अशांति होती है। जागतिक वस्तु का स्वभाव ही है अशांति देना। अखंड भाव से केवल उन्हीं के उद्देश्य से काम करने से शांति होती है। आध्यात्मिक पथ पर चलते चलते यदि एक बार ज्ञान लाभ हो जाए तो फिर पतन की कोई संभावना नहीं। सभी अवस्थाओं में एक लक्ष्य रहने की चेष्टा करना उचित है। सब रूपों में वे ही हैं यह भाव रखना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मां पुरुषार्थ के बल पर साधन पथ पर कुछ दूर अग्रसर होने पर भी अंत में कृपा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि नहीं? मां, कृपा और पुरुषार्थ यह जो बात होती है वह केवल एक वस्तु को भिन्न भिन्न भाव से देखकर है। हम जो भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं वह भी उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा के बिना उनको चाहने का उपाय नहीं है। और दूसरी ओर से देखने में कृपा नाम की कोई बात नहीं है। संसार में एकमात्र एक ही सत्ता है तो कौन किस पर कृपा करेगा? प्रश्नकर्ता, मां शास्त्र में आसन पर बैठकर जप करने की विधि है, परंतु कोई आसन पर ना बैठकर यदि जप करे तो क्या कोई फल नहीं होता? मां, क्यों नहीं होगा? तो भी जप इत्यादि करते समय शास्त्र वाक्य के अनुसार आसन का व्यवहार करना अच्छा है। प्रश्नकर्ता, मां शास्त्र में कहा है कि कली काल में दीक्षा तांत्रिक मत से लेना अच्छा है, किंतु जिनकी केवल वैदिक दीक्षा हुई है वह क्या नाम करके उन्नत नहीं हो सकते? मां, यह शरीर कहेगा कि वैदिक दीक्षा यदि चेतन हो उठे तो उसके अंदर तांत्रिक दीक्षा का फल प्रकाशित हो पड़ेगा। कोई कोई केवल गायत्री मंत्र का जाप करके मुक्ति लाभ कर सके हैं। किसी भी पथ पर ठीक ठीक चलने से गंतव्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है। मां पुनः उपदेश दे रही हैं, तत्वमसी अर्थात मैं ही तो वह हूं, मैं छोड़कर और कुछ नहीं है। सब कुछ लेकर रहो पर उनके नाम की आग जरा जलाए रखो, बड़े यत्न से जलाए रखो। अगर उनकी इच्छा हुई तो उसी आग में तुम्हारे सारे मैल को जलाकर तुम्हें शुद्ध बनाकर वे अपने पास बुला लेंगे। उन्हें साथ रखो, इसके बाद गृहस्थी देखो। यही पति ही उसी परमपति का रूप है, यही स्त्री ही देवी स्त्री रूप में तुम्हारे पास है, संतानें बाल गोपाल और कुमारी मूर्ति के रूप में तुम्हारे निकट हैं। सेवा करते जाओ, इसी बुद्धि से गृहस्थी चलाओ, कोई डर की बात नहीं। किसी के प्रति द्वेष मत रखना, सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न करना, बातों के जरिए किसी को परेशान मत करना, उनके नाम और भाव में रहने का प्रयत्न करना। मैं यह नहीं कहना चाहती कि सब छोड़कर चले जाओ, गुरु वाक्य में विश्वास करना एकमात्र कर्तव्य है। संसार के साथ हो उसमें शांति कहाँ है, हर क्षण उसमें ज्वाला ही रहती है। 24 घंटे में कुछ देर के लिए अकेली किसी कमरे में बैठो, पूर्णमय की खोज में प्राण मन उन्मुख कर कुछ समय उन्हें देना ही पड़ेगा। कुछ देर के लिए मन को शून्य बनाकर सिर्फ गुरु के उपदेशों को ध्यान में लाओ, जहां शून्य है वहीं पूर्ण। एकमात्र वे ही सब हैं, एक के सिवाय दो नहीं है। आत्मचिंता के अनुकूल चिंता करना कर्तव्य है, एकमात्र वही।
प्रश्न करता, मां सुकर्मों के जरिए कुकर्मों का दोष नष्ट होता है कि नहीं? मां, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मूर्ख है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, लिखना पढ़ना रूपी शिक्षा से उनकी मूर्खता दूर हुई। भगवान के ऊपर निर्भर रहो, वे ही एकमात्र आश्रयदाता हैं, उन्हीं की चिंता करना शांति की आशा है, उन्हीं के बंदोबस्त में ही सब है और रहेगा, चिंता क्यों, वे हैं। प्रश्न करता, मां दुख किससे दूर होता है? अभाव तो दूर होता ही नहीं। मां, परदेश में हूं इसलिए कष्ट है, स्वदेश में रहने पर कष्ट नहीं होता, स्वदेश की तलाश करो, अपने को खोजो। प्रश्न करता, मां स्वदेश पाने का क्या उपाय है, स्वदेश कहां है? मां, कामना वासना ही विदेश बन गया है, वरना विदेश की कोई बात ही नहीं है, स्वदेश में स्वभाव में जाने पर अभाव दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।